नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी एजुकेशन दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को कवर किया है ये वीडियो मैंने सी के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बनाया है जो बच्चे सी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो ट्वेंटी सब्जेक्ट डोमेन में से केमिस्ट्री सब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करते हैं पेपर देने के लिए तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितना सी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही ये वीडियो एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जेई और नीट स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है मतलब मैंने इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन को मैंने कवर किए हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन सारे वैलिड क्वेश्चन हैं फॉर ऑल द केमिस्ट्री एग्जाम्स ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ इज सोडियम क्रोमेट कन्वर्टेड इंटू सोडियम डाइक्रोमेट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को मैन्युफैक्चर करते हैं क्रोमाइट ओर से तो उसके अंदर सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट किया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा प्रोसेस या कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है उस प्रोसेस के लिए तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट कर सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट में यहाँ पर आपको रिएक्शंस भी दिया है आपको स्क्रीन पे उसका रिएक्शंस भी दिया है अगर आप चाहते हो इसका नोट्स बनाने के लिए तो आप इसका नोट्स बना सकते हो क्योंकि जो ये रिएक्शंस दिया है वो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे इन ड्राई सेल विच एक्ट एज ए निगेटिव इलेक्ट्रॉड अगर आप ड्राई सेल्स के बारे में पढ़े होंगे उसके स्ट्रक्चर्स को देखे होंगे या उसके बारे में अच्छे से स्टडी किए रहेंगे तो उसके अंदर जो निगेटिव इलेक्ट्रॉड का जो काम करता है वो करता है जिंक तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जैसा कि जिंक एक्ट एज ए निगेटिव इलेक्ट्रॉड वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक होता है वो मोर निगेटिव पोटेंशियल होता है सो डैट इट एक्ट एज ए निगेटिव इलेक्ट्रॉड और वहीं पर जो कैथोड वाले जो पार्ट होते हैं जो आप बोल सकते हो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड तो जो वो होते हैं वहां पर जो काम करता है उसको हम बोलते हैं कार्बन रॉड एक्चुअली जो उस ड्राई सेल के अंदर जो कार्बन रॉड का यूज किया जाता है वो किया जाता है इनर्ट कार्बन रॉड का इनर्ट कार्बन रॉड का मतलब ये हो जाता है यहां पर कि जो यहां पर कार्बन रॉड यूज किए जाएंगे वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिंक के साथ तो अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे सिलेक्ट द कम्पाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रोस एसिड लिबरेट्स नाइट्रोजन तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कम्पाउंड है जिसको अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं या ट्रीट करते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस लिबरेट करता है या नाइट्रोजन लिबरेट करता है तो स्टूडेंट पहले चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार तो यहाँ पर देखिए बोला गया है जो प्राइमरी अमाइंस होता है अगर उसको हम नाइट्रस एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन लिबरेट करता है ठीक है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इथाइल अमाइन डी आपका करेक्ट है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रिएक्शन भी दिया गया है और जो एज अ कैटलिस्ट जो एडिशनल केमिकल्स का जो यूज करते हैं उस एरो के ऊपर आपका बना हुआ है कौन से टेम्परेचर पे उसको हम ट्रीट करते हैं वो सारे इस एरो पे दिया गया है चलिए अब बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर फोर पे यहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जैसे कि 5.0 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मास 40 ग्राम पर मोल इस इन अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड द सॉल्यूशन इज इज डाइल्यूटेड अप टू 100 व्हाट द द ऑफ रिजल्टिंग तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि आपको मोलॉरिटी आपको पता होनी चाहिए उसका फॉर्मूला क्या है तो मोलॉरिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स आप इसको नोट्स बना के लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है 1.25 मोल पर डीएम क्यूब ठीक है दोस्तों अगर इसे कुछ डाउट रहे आपको तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर पूछें. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विदायल कैडमियम कीटोन तो यहाँ पर सीधे सीधे रिएक्शन पूछा गया है सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इन चार ऑप्शन में से कौन से केमिकल के साथ अगर आप डाई बेंजाइल कैडमियम को रिएक्ट करते हो या ट्रीट करते हो तो आपको एज अ प्रोडक्ट बेंजाइल मिथाइल कीटोन मिलेगा तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है एसिटाइल क्लोराइड ठीक है यहां पर आप रिएक्शन देख सकते हो और अपने नोटबुक्स के अंदर स्क्रीन पॉज करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हो या आप इसको नोट कर सकते हो ठीक है।, तो है, है तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए लेगजन तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो थोड़ा एक्सप्लेन यहां पर किया गया है कि बुलेट प्रूफ हेलमेट आर मेड फ्रॉम लेग्जन इट इज अ पॉली कार्बोनेट पोलाइमर नेरली एज अ टील स्टील जितना टफ होता है और जो ये रहता है होता है, इट इज यूज इन द बुलेट प्रूफ विंडोज एंड हैज़ अ फेस प्लेट इन द और एस्ट्रोनॉट्स के जो हेलमेट्स होते हैं जो फेस प्लेट्स होता है उसके लिए भी Lexan का यूज़ किया जाता है उनके ग्लासेस को बनाने के लिए तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन स्क्रीन पे है विच मेटल इज रिफाइन यहाँ पर कौन से हम मेटल्स को मॉन्ड प्रोसेस के थ्रू रिफाइन करेंगे पर जो क्या होता है कि जो निकल ऑक्साइड होता है वो प्योर निकल के अंदर कन्वर्ट की जाती है मॉन्ड प्रोसेस के थ्रू चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर एट की तरफ आइजो प्रोपाइल मिथाइल कोल्ड हाइड्रोजन आयोडाइड गिव्स तो आपको यहां पर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप आइसोप्रोपाइल मिथाइल इथर को ट्रीट करते हो कोल्ड हाइड्रोजन आपकोहल एंड मिथाइल आयोडाइड आपको मिलेगा तो इसी हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है और यहाँ पर रिएक्शंस भी दिए गए हैं स्टूडेंट तो आप देख सकते हो और इस रिएक्शंस को आप नोट डाउन करके रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको पता होना चाहिए कौन सा

फोर होते हैं और अगर उसमें से एक स्पेरिकल एटम अगर वॉल्यूम ऑकुपाई करता है तो उसका फॉर्मूला फोर बाय थ्री पाईआर क्यूब होता है तो सो so डैट आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि चार एटम का कितना होएगा तो इसके हिसाब से सिक्सटीन बाई थ्री पाईआर क्यूब होता है एंड रेडियस एंड आर इज द रेडियस ऑफ द एटम ठीक है दोस्तों बहुत ही सिंपल है बहुत बेसिक है आप इसको नोट डाउन करके रखें और इसको याद करके रखे रहे न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं ये सब चीजें चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद ब्रोमाइन वाटर इट्स ग्लूकोनिक एसिड दिस रिएक्शन कंफर्म प्रेजेंस ऑफ तो यहाँ पर अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करोगे ब्रोमाइन वाटर के साथ तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड अगर ग्लूकोनिक एसिड ऐसा प्रोडक्ट मिलता है तो वो ये कंफर्म करता है कि इस रिएक्शंस के अंदर अल्टीहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इन ग्लूकोज तो यहां पर आप देख सकते हो तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन कि ब्रोमाइन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच सिलेक्टिवलीक्सिडाइज अल्डी हाइड टू कार्बोजाइलिक एसिड ओनली इट डज नॉट ऑक्सीडाइज एल्कोहॉल और कीटोन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए स्टूडेंट ठीक है तो आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हो तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ आइडेंटिफाई एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमोंगस द फॉलोइंग इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी हीट कैपेसिटी इज योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पता ही होगा यहां पर छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और यहां पर यह भी बोला गया है कि विस्कॉसिटी डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन डो नॉट डिपेंड ऑन मास और अमाउंट ऑफ मैटर ठीक है So बचता है heat capacity, जो matter और मास पे डिपेंड करता है सो डैट इट इज कंसिडर्ड एजेंसिव प्रॉपर्टी ठीक है आपका हिट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोजाइलिक एसिड इज ए ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है कार्बोजाइलिक एसिड का तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा कार्बोजाइलिक एसिड

एसिड एसिड जो है है वो भी है, विद के केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है आप इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडिपिक एसिड और हेगेनडॉइक एसिड जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद द केमिकल फॉर्मूला ये ठीक है दोस्तों तो चलिए बढ़ते हम हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ तो एक्चुअली यहाँ पर जो क्वेश्चन तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है सिट्रिक एसिड ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फर ट्राईऑक्साइड हमें मिलता है अगर हमें इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस लिखना है तो कौन से फॉर्मूला हम यूज करेंगे ठीक है तो यहां पर जो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी को करेक्ट कर सकते हैं और इस फॉर्मूला को नोट डाउन करके रख सकते हैं चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दर्क डॉन जीरो आर का वैल्यू जो दिया गया है एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर कैलविन पर मोल तो इसमें से देखिए जो करेक्ट आंसर है एक्चुअली जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है प्लस टू फोर नाइन फोर जूल यहां पर आपको पूरा का, पूरा का पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा कि कैसे टू फोर नाइन फोर जूल आया है पॉजिटिव में तो आप इस पूरे कैलकुलेशन को नोट डाउन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहां पर दिया है और अगर इसे कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर पूछें ठीक है चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में नाइट्रो अल्केन्स आर इन गुड इल्ड बाई ऑक्सीडाइजिंग एल्ड ऑक्साइम्स विद द हेल्प ऑफ तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ट्राइफ्लूरो पर ऑक्सी एसिटिक एसिड तो ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ इफ एन रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटोम्स इन अ कंपाउंड द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल ऑफ द कंपाउंड इज तो ये ये जो क्वेश्चन है एक इजेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो पर जो करेक्ट है करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी है टू पावर एन तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो, जो जनरल फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग स्टेरियो आइजोमर इज टू पावर एन सो द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइजोमर्स कैन बी टू पावर एन ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन की तरफ इक्वेशन डेट रिप्रेजेंट वॉफ जनरल सोल्यूशन इक्वेशन इज तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन में चार इक्वेशन दिए गए हैं तो इन चारों में से वेंट जनरल सोल्यूशन इक्वेशन कौन सा है तो यहाँ तो पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से ये इक्वेशन लिखा गया है यहाँ पर छोटा सा एक्स, मतलब एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है तो यहाँ पर जो पाई है वो ऑस्मेटिक प्रेशर है टेम्परेचर है आर जो गैस कॉन्स्टेंट है एन इज नंबर ऑफ मोल्स एंड वी इज वॉल्यूम ठीक है अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप नोट डाउन करके रख सकते हो ये इंपॉर्टेंट है चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ विच इज द मोस्ट स्टेबल एलेक्ट्रोप ऑफ सल्फर आप सभी को पता है कि कितने टाइप्स के एलेक्ट्रोप ऑफ सल्फर है तो उसमें से जो सबसे स्टेबल वाला होता है वो होता है रोमबिक तो इन चार ऑप्शन में से स्टूडेंट रोम्बिक मतलब लिखा तो नहीं है पर रोम्बिक सल्फर हम जानते किसको को हैं बोलते किसको हैं अगर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा तो हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करते हैं बिकॉज ऑक्टाहाइड्रोल सल्फर इज ऑल्सो नोन एज अ रॉम्बिक सल्फर एंड इट इज अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड इट इज इन सोल्यूबल इन वाटर एंड इज प्रिपेयर फॉर इवोपोरेटिंग द सोल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड तो यहीं पर अगर हम सल्फर से रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चन निकालना चाहें तो इजिली इसमें से क्वेश्चन निकल सकते हैं यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिए है आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हो ठीक है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर की तरफ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर पॉलीमर इज इज या तो इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के लिए क्या है तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है इट इज आइदर लीनियर और ब्रांच चैन पॉलीमर तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है आप यहाँ देख सकते हो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ हाउ many फेरेडेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर required टू डिपोजिट टेन ग्राम ऑफ कैल्शियम from molten कैल्शियम क्लोराइड यूजिंग inert electrode? यहाँ पर कैल्शियम का मोलार मास भी दिया गया है फोर्टी ग्राम मोल। ये एक्चुअली क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और इसका मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए जीरो पॉइंट फाइव फेराडे जीरो पॉइंट फाइव फेराडे की इलेक्ट्रिसिटीटी का आप यूज़ करोगे डिपोिट करने के लिए टेन ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्राम मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड यूजिंग इनट इलेक्ट्रॉड्स ठीक है तो अगर इस क्वेश्चन से रेड कोई आपको डाउट रहे तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर पूछें और इसका जो मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का जो पूरा कैलकुलेशन किया है पूरा एक एक्स एक मतलब रिएक्शन से लेके कैलकुलेशन जो भी मैंने यहाँ पर किया है वो सारे आप लिख सकते हो आप इसको नोट्स करके मतलब रख सकते हो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ द रिएजेंट यूज इन वॉल्व किश्नर रिडक्शन इज ये ट्वेल्थ का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये भी है तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है वह है ऑप्शन ए जो कि एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कम्पाउंड है ये आप यहाँ पर देख सकते हो एंड द ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज जीरो सो डैट इट इज अ न्यूट्रल बाकी सबका भी यहाँ पर दिया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो और अगर आप लिखना चाहते हो तो स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री पे आइडेंटिफाई द कंपाउंड एमॉक्स वन मोल एक्वे सोल्यूशन है पहले से मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है फेरिक्लोराइड ऑप्शन डी आपका करेक्ट है तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है आप इसको नोट करके लिख सकते हो द सोलूशन विच गिव द हाइस्ट नंबर ऑफ आयोन्स ऑन डिसोशिएशन विल हैव द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब यह है कि अगर सॉल्यूशंस के अंदर जितना भी आयंस डिसोशिएट होगा उतना ही उसकी हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे वॉट इज द रिएजेंट यूज इन एटार्ड रिएक्शन तो यहां पर सिंपल और बेसिक है पहले से यहां पर दिया गया है तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है एटार्ड रिएक्शन इज मोस्ट कॉमनली रिलेटिवली इजी मेथड ऑफ कन्वर्टिंग टोलियन इनटू बेंजल डिहाइड ठीक है चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे द मोस्ट अबेंडेंट नोबल गैस इन एटमोस्फीयर इज एबेंट मतलब जो ज्यादा अमाउंट में हमें मिले नोबल गैस कौन सा नोबल गैस एटमोस्फेयर में जो जो ज्यादा अमाउंट में हमें मिलता है ठीक है इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी आर्गन ठीक है तो इसकी जो अमाउंट है वो है जीरो पॉइंट नाइन थ्री फोर परसेंट ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग टेक केयर एंड बाबा बाय